नमस्ते मैं जया स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में आज मैं आपको बताऊँगी हार्ट चक्र से एसोसिएटेड सारी बातें ठीक है सो बने रहिए एंड तक के और यदि आपको क्रिस्टल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो मेरा मिनी कोर्स है आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हैं सो आप मेरा मिनी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपने क्रिस्टल हीलिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं सो आज हम स्टार्ट करते हैं हार्ट चक्र के लिए सारे डिटेल्स ठीक है सबसे पहले तो हार्ट चक्र कहाँ होता है हमारे मिडिल ऑफ द चेस्ट में ठीक है ये सेंटर uh, है किस चीज़ का सेंटर फॉर लव कम्पैशन नर्चरिंग स्पिरिचुअलिटी इन सब को बैलेंस में बनाए रखने में ये हेल्प करता है इसका एलिमेंट होता है एयर ठीक है क्रिस्टल्स ये हम यूज़ कर सकते हैं रोज क्वाड्स ग्रीन एडवेंचरिन वाटरमेलन टर्मिनल टर्मिन मैलकाइट ग्रीन जेड एमेजोनाइट क्राइसोकोला क्राइसोक्रेस ग्रीन फ्लोराइट मॉसगेट पेरेडॉट रोडोक्रोसाइट ठीक है सो so, इन सारे क्रिस्टल्स में से आपको जो क्रिस्टल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो वो क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं बस ख्याल रखिए यदि आप मेलेकाइट यूज कर रहे हैं तो लंबे समय तक यूज मत करिए और इसको क्लेंजिंग के लिए आप वाटर के बजाय कोई भी इंसेंस स्टिक्स कपूर या सेज आ, सिंगिंग बाउल इनको यूज करके क्लेंस करिए ठीक है अब मैं बताती हूँ यदि यह चक्रा बैलेंस्ड होगा तो क्या होगा और इम्बेलेंस्ड होगा तो क्या होगा जब यह चक्रा बैलेंस रहता है देन यू विल बी एबल टू शो द अनकंडीशनल लव ठीक है टू द सोसाइटी टू योर सेल्फ जहाँ पे भी लव की बात होगी यू विल बी एबल टू शो एंड रिसीव द लव ठीक है एंड कम्पेशन टू यू विल बी कम्पैशनेट सेंसिटिव काइंड जेनरस आपके रिलेशनशिप्स जो भी होंगे वो डीप होंगे मीनिंगफुल होंगे किसी के भी साथ आप चाहे खुद के साथ हो सोसाइटी के साथ हो आपके नियर एंड डियर वनस के साथ फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ सबके साथ जहाँ बात रिलेशनशिप की आती है वहाँ पे एक बैलेंस बना रहेगा फिर है, कई बार हम जो है देखिए रिलेशनशिप आता है तो मन मुटाव भी आता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आती है बट ये चक्र यदि बैलेंस होगा देन यू विल बी एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स आल्सो, ठीक है कई बार हमसे भी गलती हो जाती है सो so, हमारे मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है कि अरे मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था तो उस समय यदि बैलेंस होगा तो क्या होगा कि ठीक है हो गई गलती कोई बात नहीं अब आगे बढ़ते हैं लाइफ में वहीं यदि बैलेंस नहीं होगा तो अपने मन खाता रहता है अपने को है कि नहीं सो so, इस तरह से आ, आप यदि बैलेंस होगा तो आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ सकोगे लेट इट गो करने की कैपेबिलिटी केपल, आपकी ज़्यादा अच्छी रहेगी मीन्स यू विल बी एबल टू लेट द थिंग गो एंड मूव अहेड इन योर लाइफ ठीक है फिर आप लाइफ uh, की जो ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी लाइफ की आप सराउंडिंग uh, की नेचर की जहाँ बात ब्यूटी की आती है खुद की दूसरों की कोई भी तरह की ब्यूटी को आप अप्रिशिएट करने की ताकत रखोगे देन यू हैव द करेज टू लिसन टू योर हार्ट और उस पर अमल करने की भी ताकत रखोगे वहीं यदि यह चक्र इम्बेलेंस रहे या ब्लॉक रहेगा तो लव जो है फ्लरिश ही नहीं हो पाएगा इट्स लाइक like, कली जो है वो खिल ही नहीं पा रही है बिकॉज इम्बैलेंस है ठीक है फीलिंग्स जो भी नेगेटिव फीलिंग्स होती है लव के कारण वो सब आने लगेंगी लाइक जेलसी रिलेशनशिप्स के कारण एंग्जाइटी एंशसनेस पोजिशिव देन इनसिक्योरिटी ये सारी भावनाएं बढ़ने लगेंगी कई बार हम किसी दूसरे अपने यदि इमिजिएट पार्टनर रहे ठीक है स्पाउस रहे उस पर हम uh, भरोसा नहीं कर पाते हैं समटाइम्स यू विल नॉट बी एबल टू चेंज ठीक है हम लाइफ में कई बार चेंज देखना पसंद करते हैं या uh, लाइफ में कुछ चेंज करने की uh, सोचते हैं सो उस समय रेजिस्टेंस आ जाएगा ठीक है कोई भी चेंज को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी कम रहेगी ठीक है यू मे नॉट बी एबल टू ट्रस्ट और फोगेव एनी वन और सेल्फ ठीक है कई बार आप uh, खुद के अंदर जो है ना बहुत ग्रजेस भर के रखोगे सेल्फ पिटी होगी विक्टिम मेंटालिटी होना सोशल एंग्जाइटी होना डिमांडिंग फॉर लव और ये खास करके रिलेशनशिप गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप इस केस में देखने को मिल सकती है मीन्स यू हैव टू प्रूव योर लव या फिर डिमांडिंग हो जाती है कि ऐसा करो तो ये मैं समझूंगी या समझूंगी कि आप मुझसे प्यार करते हो ठीक है कई बार यू मे बी टू मच ट्रस्टिंग इन अ रिलेशनशिप या फिर टू मच पोजिशिव हो जाना कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिन लोग के होते हैं सो उनको भी हार्ट चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है एंड समटाइम्स आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो किसी रिलेशनशिप में तो भी हार्ट चक्र को बैलेंस करिए फिर डिजीज वाइज बोलें सो हार्ट चक्र जब इम्बैलेंस होता है तो डिजीजेस रिलेटेड टू हार्ट देन अराइज फ्रॉम डिप्रेशन एंड पोजिसिवनेस हार्ट ब्लड डिसऑर्डर्स देन लेथार्जी होना एनेमिक होना लो ब्लड शुगर होना ठीक है डिप्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एनी रिलेशनशिप वो सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं कलर बोलें तो पिंक और ग्रीन ये दो कलर हैं हार्ट चक्र के लिए आप फूड वाइज बोलें तो कोई भी ग्रीन कलर के जो भी फूड फ्रूट्स होंगे वो सब आप यूज़ कर सकते हैं लाइक किवी ग्रीन एप्पल देन स्पिनच स्प्राउट्स आप धनिया पुदीना मींस एवरीथिंग जो ग्रीन फूड है उसको आप यूज़ करके आप ये चक्र को बैलेंस कर सकते हैं फिर एफर्मेशंस बोले सो so, uh, affirmations आप ये यूज़ कर सकते हैं आई डीपली ट्रूली लव and accept एक्सेप्ट माई सेल्फ आई एम ओपन टू लव दैन आई नर्चर माई इनर चाइल्ड जो बहुत ज़रूरी है देन आई एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर सो इस तरह से इन सारी बातों को ख्याल में रख के आप आपका हार्ट चक्र को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं थैंक यू